देश के गवर्नर श्रीमान ओम प्रकाश कोहली जी, यहां के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी, केंद्र के मेरे साथी इसी धरती के संतान श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमान फगन सिंह कुलस्ते, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य श्रीमान गोपाल भार्गव जी, उपेंद्र सिंह जी, उमाशंकर जी, विश्वास जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान नंदकुमार जी, सांसद श्रीमान आलोक जी, मेयर आलोक शर्मा जी, विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे पूर्व सैनिक भाइयों बहनों, वीर सैनिकों के परिवारजनों और प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर के इस देश के वीर जवानों को नमन करने का मुझे अवसर मिला है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला है। हमारे देश में जब सेना का हम स्मरण करते हैं तो उसका ज्यादातर चर्चा एक ही रूप की होती है, यूनिफॉर्म, हाथ में शस्त्र, आंखों में ज्वाला, जैसे हर पल दुश्मन की तलाश में हो। लेकिन कभी कभी ये भी सोचें कि भारत के सैन्य बल मानवता की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। कहीं पर भी प्राकृतिक संकट आया हो, पिछले कुछ दिनों में हम सबकी स्मृति में है बद्रीनाथ केदारनाथ का प्राकृतिक संकट, और पूरा देश के जवानों को अपने अपने स्थान से नमन कर रहा था, जिस प्रकार से वो जद्दोजहद करके आपत्ति में फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी खपा देते थे। दो वर्ष पूर्व जब श्रीनगर में बड़ा भयंकर बाढ़ आई, पहली बार श्रीनगर ने इतनी भयंकर बाढ़ देखी, ऐसी समस्या से जूझना एक सरकार के लिए भी कठिन काम था। ऐसे समय देश ने देखा कि हमारे सेना के जवान श्रीनगर की इस वादियों में बाढ़ पीड़ितों के जीवन बचाने के लिए अपने आप को खपा रहे थे, और जब वो इन मुसीबत में फंसे लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको बचाने में लगे थे,
ये मेरे सेना का प्रशिक्षण देखिए, मेरी सेना के भीतर पड़ी हुई उस मानवता देखिए कि कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो वो लोग हैं जो कभी पत्थर मारते हैं, कभी हमारी आंखें फोड़ देते हैं, कभी हमारा सर फोड़ देते हैं, कभी पत्थरों का हमला इतना भयंकर होता है कि मौत का शरण हो जाता है। ये सब अनुभव करने के बाद भी जब मानवता ने ललकारा, यही मेरे फौज के जवान, कल क्या हुआ था, किसने क्या किया था, इसका रत्ती भर मन में न रखते हुए उसकी भी जिंदगी मेरे देशवासी की जिंदगी है, उसको बचाने के लिए वो जी जान से जुटे रहे। आज पूरे विश्व में दुनिया के जो रक्षा बल है, सुरक्षा बल है, हो सकता है कि दुनिया के कई देशों के पास सैन्य शक्ति हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा होगी, लेकिन विश्व जब हमारे सुरक्षा बलों के भिन्न भिन्न पैरामीटर से मूल्यांकन करते हैं तो डिसिप्लिन, आचार, सामान्य नागरिकों के प्रति व्यवहार, इन सारे मानकों में भारत की सेना प्रथम पंक्ति में नजर आती है, पूरे विश्व में नजर आती है। पूरे विश्व में शांति के लिए एक पीस कीपिंग फोर्स बना हुआ है जिसमें दुनिया भर के रक्षा बल के जवान बारी बारी से आते हैं, कोई दो साल वहां सेवा देते हैं, कोई तीन साल देते हैं, जिस देश में उनको लगाया जाए वहां जाते हैं, उस देश की शांति के लिए वो अपना जीवन लगा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्व का जो पीस कीपिंग फोर्स है, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि विश्व के इस पीस कीपिंग फोर्स में इतने वर्षों में लगातार सबसे अधिक योगदान करने वाला कोई देश है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। और ये इसलिए संभव होता है कि हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने सिर्फ शस्त्र के आधार पर नहीं, नैतिकता के अधिष्ठान पर, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर विश्व को जीतने में सफलता पाई है, तब जाकर के ये सिद्धि प्राप्त होती है। इन दिनों वेस्ट एशिया में लगातार बम धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, आतंकवाद ने भयंकर रूप ले लिया है, यमन में हिंदुस्तान के हजारों नागरिक फंसे थे, बम वर्षा हो रही थी, जीवन और मृत्यु के बीच भारत के नागरिक वहां मुसीबत से घिरे हुए थे,
हमने सेना के जवानों को वहां भेजा, मदद के लिए हर व्यवस्था लेकर के भेजा। और ये सेना के जवानों का पराक्रम देखिए, 5000 से ज्यादा वहां पर फंसे हमारे भाई बहनों को सलामत हिंदुस्तान वापस लेकर के। और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को भी, पाकिस्तान के नागरिकों को भी बचा करके ले आए। ये भारत की सेना, इसके इन रूपों को अभी भी हम समय समय पर तो कभी नजर पड़ जाती है, लेकिन सातत्य रूप से हम इस शक्ति को कभी कभी भूल जाते हैं और सिर्फ सीमा, गोलियां, बम, बंदूक, पिस्तौल, दुश्मन, उसी के इर्द गिर्द इस ताकत को तराजू पे तोलते रहते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हिंदुस्तान का इतिहास तो इस बात का गवाह है, हजारों साल का हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी की एक इंच जमीन के लिए झगड़ा नहीं किया है, युद्ध नहीं किया है, दुनिया के किसी देश को दबोचने के लिए, अपना बनाने के लिए आक्रमण नहीं किया है। लेकिन अगर मूल्यों के, आदर्शों के लिए जीवन मृत्यु का जंग खेलने की नौबत आई, हिंदुस्तान की सेना कभी पीछे नहीं रही। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये लड़ाइयां न हमने की थी, न ही ये युद्ध हमारे लिए हुआ था, न ही इस युद्ध के नतीजे का हमें कोई लाभ होना था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दो विश्व युद्ध में इसी धरती के संतान, मेरे देश के वीर जवान, मेरे वीर सैनिक, 1.5 लाख जवानों ने बलिदान दिया था, 1.5 लाख। पूरा विश्व इस बात को भुला दे रहा है, दुर्भाग्य है कि कभी कभी हम भी भुला दे रहे हैं। डंके की चोट पर दुनिया के सामने हमारे पूर्वजों का मानवता के लिए किया हुआ ये त्याग और बलिदान बार बार दुनिया को स्मरण कराने की आवश्यकता है। यहां गांधी ऐसे पैदा नहीं होते, यहां बुद्ध ऐसे पैदा नहीं होते हैं, एक महान परंपरा है जिसमें से वीर सैनिक भी मानवता के लिए मरते हैं तो गांधी भी मानवता के लिए जीते हैं, ये इस धरती की विशेषता रही। और उसी विशेषता को लेकर के आज दुनिया में हम हमारी सेना पर गर्व कर सकते हैं, जल हो, थल हो, नभ हो, हमारे और भी सुरक्षा बल, बीएसएफ के जवान जिस प्रकार से सीमा पर डटे होते हैं, सीआरपीएफ के जवान, कोस्ट गार्ड के जवान, अनगिनत व्यवस्थाएं हैं जो इसलिए
अपनी जवानी खपा देते हैं कि हम चैन की नींद सो सके। मेरे देश की सेना को हम चैन की नींद से सो जाएं, उसे सर्वाधिक खुशी मिलती है। हम चैन की नींद से सो जाएं, उसे संतोष होता है। हमारे सोने पर उसको शिकायत नहीं होती है, लेकिन जागने के वक्त भी अगर सो जाए तो सेना हमें कभी माफ नहीं करती है। और दुर्भाग्य यह है कि कभी कभी हम जागने के समय भी सोए पाते जाते हैं। संस्कृत में कहा है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागते रहो, और सिर्फ सेना के जवान जागते रहे ये तो उनके साथ अन्याय होगा, हमें भी जागने के समय तो जागना ही चाहिए, उस समय सोने का हमें हक नहीं। अगर कोई ये भ्रम रखता है कि हाथ में कितना आधुनिक शस्त्र है, गोली कितनी दूर तक जा सकती है, इतने मात्र से सेना जीत जाती है, तो ये हमारा भ्रम है। सेना का सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है वो उसका मनोबल होता है, उसके मन की ताकत होती है। और ये मनोबल, ये मन की ताकत शस्त्र से नहीं आती है, 125 करोड़ देशवासियों की एक साथ मिलकर के उनके पीछे खड़े रहने से आती है। हमारे देश में मैं बहुत पुरानी एक घटना मुझे स्मरण है, 62 के वॉर के बाद दिवाली के दिन थे तो लोग मिठाई के पैकेट फौज को भेजते रहते थे, कोई भी पता मिल जाए तो ठीक है, ना देश के आर्मी के जवान ऐसा करके के भेज देते थे। पहुंचते पहुंचते शायद वो खराब भी हो जाए लेकिन भक्ति भाव से पहुंचते थे। मैंने कभी सुना था कि बड़ौदा से एक बेटी ने किसी जवान को मिठाई भेजी, अपना पता भी उसमें डाल दिया साथ साथ। जिस जवान के पास वो मिठाई पहुंची साथ में वो पता भी पहुंचा, और बाद में मुझे पता चला कि जीवन भर उस फौजी ने उस बहन को अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार दिया। ये सेना के रूप जो है, इसे कभी कभी हम भली भांति समझ नहीं पाते। हमारी सेना, और मैंने कहा था सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा। लेकिन जैसे हमारी सेना बोलती नहीं पराक्रम करती है, हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है।
प्यारे देशवासियों, मैं मध्य प्रदेश सरकार को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये शौर्य स्मारक का निर्माण किया। युद्ध स्मारक तो होते हैं, शहीद स्मारक भी होते हैं, लेकिन शौर्य स्मारक, इसके अंदर ये सब कुछ समाहित होता है, उससे भी प्लस होता है। ये शौर्य स्मारक हम सबके लिए तीर्थ क्षेत्र है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा का मंदिर है। हम देखें तो सही, अनुभव तो करें, हम जाने तो सही सेना है क्या, जिंदगी क्या है उनकी, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है कि रग रग में हिंदुस्तान समाया हुआ है, क्या कारण है पूरे भारत मां को अपना परिवार बना लिया है और अपनों को अकेले छोड़कर चल दिए। ये छोटा त्याग नहीं है दोस्त, शब्दों में इसका वर्णन नहीं हो सकता। ये वीरों की गाथा है, हर पल हर कदम प्रेरणा की एक नई शक्ति इन वीरों से हमें प्राप्त होती है। उनका जीवन, उनका कार्य हर हिंदुस्तानी के जीवन को देश के लिए जीने की, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता रहता है। और हमारे देश के सभी गणमान्य कवि, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधे सुन रहे थे भोपाल से, जहां पर उन्होंने शहीदों के सम्मान को लेकर अपनी बातें सामने रखी और शहादत को लेकर सियासत को दूर रखना कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में ये जता भी दिया। सेना के मनोबल को सबसे ऊपर रखने की बात हुई, सेना बोलती नहीं पराक्रम करती है, जैसा पराक्रम सेना दिखाती है वैसा हमारे रक्षा मंत्री भी दिखाते हैं। हालांकि इशारों में उन्होंने रक्षा मंत्री की तारीफ भी की और भारतीय सेना की भी उन्होंने तारीफ की, सेना के हौसले की तारीफ की, सेना के जज्बे की तारीफ की, सेना के मनोबल की तारीफ की और सेना की जो दिशा है कार्रवाई करने की, जवाब देने का जो अंदाज है उसकी तारीफ की कि सेना कुछ कहती नहीं, बस सिर्फ अपने मिशन पे लगती है और मेरी सेना प्रशिक्षण और मानवता को देखिए, ये भी उन्होंने कहा है यहाँ पे।